आज के सत्र का पहला प्रश्न है, जो भगवान की मर्जी या जैसा भगवान ने देखा वैसा होगा, इसमें क्या अंतर है। एक मान्यता इसमें ईश्वर कर्तृत्ववाद की है, जो कुछ होता है सब भगवान करते हैं। यदि इसमें ऐसा सोचते हैं कि हम जो कुछ अच्छा करते हैं उसमें अहंकार ना आ जाए, यदि इस दृष्टि से कहते हैं कि ये भगवान की मर्जी है, भगवान का किया हुआ है, तो वो ठीक है, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन जब अच्छा हो तब तो भगवान की मर्जी स्वीकार कर लें, और जब खराब हो तो फिर भगवान को गाली देने लगें, भगवान को दोषी ठहराने लगें, ये मान्यता ठीक नहीं। कई कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जिसमें वो भगवान के लिए दोषी भी ठहराने लगते हैं। एक वृद्धा कहीं पर कोई देवता की आराधना करती थी, और एक बार ऐसा हुआ कि उसके पुत्र का मरण हो गया, तो उसने झाड़ू उठा करके उन देवता की वहाँ पर किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है, पहले जब अच्छा है तब भगवान, सब कुछ भगवान की मर्जी है, और जब मन का नहीं होता है, जैसे कहते हैं कि अच्छा अच्छा गप कर लेते हैं और खराब खराब थूक देते हैं, तो ये सही तरह से एक प्रकार से आस्था की कमी है, या जो कहना चाहिए कि अपन ने भगवान के सही स्वरूप को नहीं समझा। एक बार एक बेरोजगार व्यक्ति था, परमात्मा से आराधना की कि हे भगवान, मैं बेरोजगार हूँ, रोजगार की खोज में सब जगह घूमता हूँ, गांव-गांव घूमता हूँ, मेरे लिए एक घोड़ा दे दे। और वो वहाँ पर थोड़ा ही चलता है, एक थानेदार उसको वहाँ पर कहता है कि हमारी घोड़ी ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया है, और यहाँ पर कोई उसको उठाने वाला नहीं है, तुम उसको उठा करके थाने तक ले चलो। बड़े रोब में बोला, बेरोजगार तो था ही, और उसने उस घोड़े के बछड़े को अपने कंधे पर रख लिया और थाने की ओर उसको लेकर के चलने लगा। लेकिन वहाँ पर सोचता है और उस समय कहता है कि हे परमात्मा, तू भी कैसी मजाक करता है, मैंने तो अपनी सवारी के लिए तुझसे घोड़ा मांगा था, तूने घोड़े को मेरी सवारी करने के लिए दे दिया, तेरी समझ की बलिहारी। यदि ऐसी धारणा रहती है तो हमने वहां भगवान को ही सब कुछ करने वाला नहीं माना है, ये इससे सिद्ध होता है। और दूसरी मान्यता में कि जैसा भगवान ने देखा है वैसा ही होगा, इसमें उन यतियों के लिए कहा है कि जो शुभोपयोग में रम रहे हैं उनको शुभोपयोग को छोड़ करके और शुद्धोपयोग में लीन होने के लिए इस बात को कहा है कि कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठ करके अपने आत्मा में लीन होने का प्रयास करो। यदि कोई व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों के लिए, यानी धार्मिक कार्यों के लिए, तो कहे कि भगवान का जैसा भगवान ने देखा होगा, जैसा होना होगा वैसा होगा, और अपने अर्थ पुरुषार्थ के लिए, अपने पांचों इंद्रियों के विषयों के लिए यदि वो वहाँ पर पुरुषार्थ करे, तो इसका मतलब है उस बात पर भी अभी इसे सच्ची तरह से सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, ऊपर ऊपर परिग्रह कम हो रहा है पर सुख की वृद्धि हो रही है, देवों में ऐसा क्यों? तत्वार सूत्र के चौथे अध्याय में दो सूत्र आते हैं, उसमें एक सूत्र में कह रहे हैं कि स्थिति प्रभाव सुख द्वितिलेश्या विशुद्धीन्द्रिया वधि विषय तो अधिकार, ऊपर ऊपर इन सब की वृद्धि होती जा रही है, और साथ ही साथ में कह रहे हैं कि गति शरीर परिग्राहिमान तो ही ना। यहाँ पर सुख ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है और कह रहे हैं ऊपर ऊपर परिग्रह कम होता जा रहा है। ये सूत्र बता रहा है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा परिग्रह रखता है वो उतना सुख से दूर होता जाता है। वास्तव में यही है
क्योंकि व्यक्ति जितना परिग्रह को अपने स्वीकार करता है वो उससे बंधता जाता है, क्योंकि परिग्रह की परिभाषा में ही आता है परि आसमंतात बधनाती इति परिग्रह। जो सब ओर से व्यक्ति के लिए बांध लेता है वो परिग्रह होता है। व्यक्ति के पास में यदि संतोष है तो वो थोड़े परिग्रह में भी बहुत सुखी हो सकता है, और यदि उसके पास में संतोष नहीं है तो उसके लिए बहुत सारा परिग्रह भी वहाँ पर केवल हाय हाय की ही और दौड़ को लगाने वाला है। इसलिए हमें इसके माध्यम से समझ करके संतोष को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान के अंश हैं कि नहीं? ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण की 5 पर्याय होती हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय, केवल ज्ञान। अब एक पर्याय दूसरे पर्याय का अंश नहीं हो सकता, और केवल ज्ञान जो है वो क्षय ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, और मति आदि ज्ञान जो है वो क्षयोपशम ज्ञान है, अपूर्ण है। तो क्षयोपशम ज्ञान जो है वो क्षय ज्ञान का अंश या क्षय ज्ञान की पर्याय कैसे हो सकता है? एक दृष्टि से इसको अंश भी कह दिया है वहां पर कि ज्ञान गुण की अपेक्षा से देखा जाए तो ज्ञान गुण को केवल ज्ञान आवरण ने ढका है, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं ढका है। उसमें कुछ ज्ञान तो जो है नित्य उद्घाटित रहता है, उसको वहाँ पर वो ढकता नहीं है। उस अपेक्षा से, चूँकि ज्ञान गुण एक है, उस अपेक्षा से उसको वहाँ पर किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने, आचार्य वीरसेन स्वामी ने उनको किसी अपेक्षा से अंश भी कहा है। इस प्रकार से अपन दोनों मतों को यहाँ पर लेकर के चल सकते हैं। अगला प्रश्न है, पर्याय नाम का मति ज्ञान भी होता है या शुद्ध ज्ञान ही होता है या दोनों होते हैं? पर्याय ज्ञान कहो या लब्ध्यक्षर ज्ञान कहो या निरावरण ज्ञान कहो जिसको नित्य उद्घाटित ज्ञान कहते हैं, या सर्व जगन्य शुद्ध ज्ञान कहें, ये सभी जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं। पर्याय ज्ञान शुद्ध ज्ञान का सबसे छोटा भेद है, इससे सूक्ष्म ज्ञान कोई दूसरा नहीं होता, और ये कोई सूक्ष्म निगोदिया लब्ध या पर्याप्तक जीव जिसको 612 भव लेने हो और वो 611 भव लेने के बाद में जब 3 मोड़े लेता है, 612वां भव जो है उसको लेने जा रहा हो और विग्रह गति के पहले समय में उसके पास में सबसे जघन्य ज्ञान होता है, इससे कम ज्ञान किसी जीव को नहीं होता। इसका जो आवरक है वो शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का है, और इसके सर्वघाती स्पर्ध का उदय किसी भी जीव के नहीं होता, क्योंकि सर्वघाती स्पर्धक का उदय हो जाए तो उस समय में कोई भी ज्ञान नहीं रहे, और ज्ञान नहीं रहेगा तो जीव ही नहीं रहेगा, क्योंकि जीव का गुण ज्ञान है। यदि ज्ञान का अभाव हो जाएगा तो जीव का भी अभाव हो जाएगा, और उसके होने से जीव जो है अजीव बन जाएगा। इसलिए ऐसा सर्वघाती ज्ञान का उदय कभी होता नहीं है। और इस पर्याय ज्ञान के भी जो अनंतानंत अविभागी प्रतिच्छेद हैं, यानी इनको शक्ति अंश कहते हैं, वो इस जीव के उस समय में जो मति ज्ञान पाया जाता है वह भी वहाँ पर सर्वजगन्य पर्याय को धारण करने वाला होता है, क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है। इसलिए जब शुद्ध ज्ञान सबसे जगन्य है तो उस समय में उसका कारण जो है वो मति ज्ञान भी सबसे जगन्य होता है, इसलिए अपन उसको भी वहाँ पर पर्याय मति ज्ञान भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुगामी अननुगामी आदि भेद क्षयोपशम निमित्तक, जो 6 प्रकार के भेद होते हैं उसी अवधि ज्ञान के होते हैं या भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के भी संभव है? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान जो होता है जिस भव में पहुंचने के बाद में अपने आप हो जाता है वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है, और क्षयोपशम निमित्तक या गुण प्रत्यय जो कहलाता है वो वहाँ पर त्रियंश और मनुष्यों के लिए उत्पन्न होता है, उसके 6 भेद गिनाए गए हैं। तत्वानुसार ग्रंथ में ये 6 भेद दोनों प्रकार के अवधि ज्ञान के बताए हैं,
लेकिन तत्वार सूत्र उसकी जो टीकाएं हैं उन सभी में ये छह वेद केवल गुण प्रत्यय यानी क्षयोपशम निमित्तक अभिज्ञान के ही बताए हैं। लेकिन जो देव सर्वार सिद्धि से आते हैं उनके साथ में वो अवधिज्ञान जन्म सहित होता है, इसका मतलब है वो भव प्रत्यय भी है और साथ साथ में वहाँ पर उनके लिए अपन कहेंगे कि अनुगामी भी है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वो किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने इसको भव प्रत्यय के साथ साथ में अनुगामी भी कहा है, इस दृष्टि से भव प्रत्यय में भी ये भेद बन जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अवधिज्ञान की परिभाषा क्या है। अवधि ज्ञान की परिभाषा आती है अवाग्धानात् अविच्छिन्न विषयाद्वा अवधि। जो अधिकतर नीचे के विषय को जानने वाला होता है, इस दृष्टि से अपन देखें कि जो पुद्गल होता है वो भारी होता है और नीचे जाता है और पुद्गल को ही अवधि ज्ञान अपना विषय बनाता है, रूपी पदार्थ को अवधि ज्ञान अपना विषय बनाता है। इसलिए यहाँ पर उसकी परिभाषा में बताया है कि जो अधिकतर नीचे के विषयों को अपना विषय बनाता है, जो देव अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से कौन कौन से नरक तक जानते हैं इसका जब वर्णन आता है तो नीचे के विषयों के बारे में ही बताया जाता है। ऊपर अपने जो उनकी ध्वजदंड होती है केवल वहाँ तक जानते हैं, बाकी नीचे के लिए विशेष रूप से जानते हैं। इसलिए अवधि ज्ञान के लिए ये कहा जाता है कि वो नीचे के विषय को ही अपना विषय बनाता है। अगला प्रश्न है अवधि ज्ञानी और मनह पर्य ज्ञानी जीव अनंत को जानते हैं कि नहीं। अवधि ज्ञान में भी तीन भेद होते हैं, उसमें सर्वावधि जो ज्ञान होता है वो सबसे बड़ा होता है, देशावधि परमावधि और सर्वावधि में सर्वावधि सबसे बड़ा होता है और उसकी भी सीमा कही है कि वो उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात को ही जानता है और जघन अनंत को जानने की उसकी सामर्थ्य नहीं, यानी असंख्यात असंख्यात को ही जानता है। इसका मतलब है कि अवधि ज्ञान और मनह पर्य ज्ञान ये केवल असंख्यात असंख्यात को ही जानते हैं, अनंत को जानने में समर्थ नहीं है, अनंत को तो केवल केवल ज्ञान ही जान सकता है। अगला प्रश्न है मनह पर्य ज्ञान का क्षेत्र कितना है, क्या यह मानुषोत्तर के बाहर के भाग को भी जानता है। जहाँ मनह पर्य ज्ञान के बारे में बताते हैं उसकी सीमा के बारे में तो 45 लाख योजन बताते हैं, तो 45 लाख योजन का ढाई दीप होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि केवल ये मानुषोत्तर पर्वत के अंदर अंदर ही जानने में समर्थ है। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि कोई मानुषोत्तर पर्वत के निकट ही कोई मुनिराज विद्यमान है और उनके लिए भी मनह पर्य ज्ञान है तो वो वहाँ पर बाहर के भी जो जीव हैं उनके मन की भी बात को जानने में समर्थ रहेंगे, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। यानी वहाँ पर से फिर 45 लाख योजन का जो स्थान रहेगा वहाँ तक वो जानने में समर्थ रहते हैं, इसलिए केवल ढाई दीप के अंदर ही जानने में समर्थ हैं ऐसा कहना नहीं है। और ऊंचाई में मनह पर्य ज्ञान का क्षेत्र सुदर्शन मेरु प्रमाण यानी वहां पर 1,40,000 योजन प्रमाण होता है। सम्मूर्छन गर्भ उपाद ये जन्म के जो क्रम है ऐसे क्यों है। सम्मूर्छन जन्म जो होता है उसमें जो जीव उत्पन्न होते हैं वो अल्पकाल जीवी होते हैं, उनकी ज्यादा उम्र नहीं होती है, इसलिए उसको सबसे पहले रखा। और दूसरा कारण दिया कि उनके जन्म का कारण और कार्य प्रत्यक्ष होने के कारण में उनको सबसे पहले रखा है, जब बरसात आदि जैसे भी हो रही है और उस समय में सम्मूर्छन जीव जरा में उत्पन्न होकर के वहाँ पर पंखुड़ी आदि के रूप में उड़ने लगते हैं, इसलिए ये प्रत्यक्ष इनका जो है कारण वहाँ पर नज़र आता है, इसलिए इनको पहले रखा है। और इसके बाद में जो गर्भ की निष्पत्ति होती है वह बहुत काल में होती है और अति दीर्घजीवी होने के कारण में उपाद जन्म वालों को सबसे आखिरी में रखा है। सम्यक दृष्टि जीव देवों में कहां कहां पर उत्पन्न नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो जघन्य देवों में उत्पन्न नहीं होता, जिसमें भवनत्रिक तीनों में उत्पन्न नहीं होता। साथ ही साथ में वहां पर 10 प्रकार के जो भेद होते हैं उनमें वहां पर प्रकीर्णक देवों में उत्पन्न नहीं होता।
आभियोग जो दास के समान होते हैं उनमें भी नहीं उत्पन्न होता, और किल्विशक ऐसे जो तीन जो जघन्य देव होते हैं उनमें सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता। अगला प्रश्न है, पंचांग नमस्कार क्या होता है और कैसे करते हैं? पांच अंगों को झुका करके जो नमस्कार किया जाता है वो पंचांग नमस्कार कहलाता है। वैसे कभी कभी एक अंग को भी झुका करके नमस्कार कर लिया जाता है, लेकिन उसकी भी परिस्थिति के अनुसार ही उसका वहाँ पर प्रयोग होता है। जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं और आपके दोनों हाथों में दो थैले हैं और थैलों को रखने की कोई जगह भी नहीं है और महाराज जी आपके निकट से निकल रहे हैं, अब उस समय में आप क्या करेंगे? केवल सिर झुका करके आप वहाँ पर नमन कर सकते हैं। तो ये एक अंग का नमस्कार हो गया। यदि किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो और वो गर्दन को नहीं झुका सकता तो उस समय में दोनों हाथों को ऊपर उठा करके यदि नमन करता है तो वो दो अंग का नमस्कार हो गया, और दोनों हाथों को उठा करके यदि सिर भी झुकाता है तो तीन अंग का नमस्कार हो गया, और दोनों पैरों को झुका करके और दोनों हाथों को जोड़ करके नमस्कार करता है तो चार अंग से नमस्कार हो गया, और उसमें अपने सिर को भी यदि झुका लेता है तो पंचांग नमस्कार भी हो जाता है। अब इसमें गवासन के साथ में नमस्कार करने की प्रथा पुरुष वर्ग में प्रायः नहीं है, लेकिन जैसे मुनिराज नमस्कार करते हैं दोनों अपने पैरों को, जैसे गाय मोड़ती है उस प्रकार से पैरों को मोड़ करके जो नमस्कार किया जाता है, एक आसन भी है, इसके माध्यम से अपने शरीर की एक प्रकार से योगिक क्रिया भी हो जाती है, उसके माध्यम से घुटनों आदि की जो परेशानी आजकल चल रही है उससे भी अपन बच सकते हैं। इसलिए अपने को भी भगवान के सामने जब नमस्कार करते हैं तो इस गवासन से नमस्कार करने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, विग्रह गति में नारकियों के शुक्ल लेशा हो सकती है क्या? विग्रह गति में जो जीव होते हैं उनकी सबकी शुक्ल लेशा ही होती है, ये द्रव्य लेशा का कथन है, और जो निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था में सभी जीवों की कापोत लेशा ही होती है। इस प्रकार द्रव्य लेशा तो शुक्ल हो सकती है, परंतु नारकियों की जो विग्रह गति में और निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था में वहाँ पर केवल मात्र तीन अशुभ लेशाएँ हो सकती हैं, क्योंकि उनकी शुभ लेशाएँ संभव ही नहीं है। इसलिए बाहर से द्रव्य लेशा भले ही वहाँ पर जो शुभ हो शुक्ल हो सकती है, लेकिन भावों से तो वो वहाँ पर तीन अशुभ लेशाएँ होती हैं। चारों गतियों के जीवों की द्रव्य लेशा व भाव लेशा बतलाइए। नारकियों की भाव लेशा का वर्णन अभी अपन ने देख ही लिया है। गोमटसार जीवकांड के अनुसार सभी नारकियों की द्रव्य लेशा या शरीर का वर्ण काला होता है। तिरंश और मनुष्यों की द्रव्य एवं भाव लेशा छह प्रकार की हो सकती है। भवनत्री देवों की भी छहों द्रव्य लेशाएं हो सकती है, यानी उनको जो प्राप्त शरीर होता है वो सभी वर्णों वाला हो सकता है। वैमानिक जो देव होते हैं उनकी द्रव्य लेशा उनकी भाव लेशा के अनुसार ही होती है, जिसमें प्रथम और दूसरे स्वर्ग में वहाँ पर पीतलेशा, तीसरे चौथे स्वर्ग में पीत और पद्म, पांचवे से दसवें स्वर्ग तक वहाँ पर पद्मलेशा, ग्यारहवें बारहवें स्वर्ग में पद्म और शुक्ल, तेरहवें स्वर्ग से लेकर के नवे ग्रहवेग तक शुक्लेशा ही होती है, और अनुदिश और अनुत्तर विमान में जो देव हैं उनकी परम शुक्लेशा होती है। देवों के द्वारा जो विक्रिया की जाती है उसके द्वारा जो उत्पन्न होने वाला शरीर है वो छह द्रव्य लेशाओं वाला हो सकता है, यानी विक्रिया के माध्यम से वो अपना अन्य भी लेशा में अपना शरीर दिखा सकते हैं। उत्तम भोग भूमि जीवों का शरीर जो होता है वो सूर्य के समान होता है, मध्यम भोग भूमि जीवों का चंद्रमा के समान, और जघन्य भोग भूमि जीवों का जो शरीर होता है वो हरित वर्ण के समान होता है, और भोग भूमिया जीवों की लेकिन भावों से तीन शुभ लेशाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, देवों के और नारकियों के बैक्रियक शरीर में क्या अंतर है? देवों का जो शरीर होता है वो सप्त धातु से रहित होता है,
लेकिन नारकियों का जो शरीर होता है वो वहाँ पर सप्त धातु से युक्त होता है। मनुष्यों के जो शरीर में अशुभ सामग्री होती है उससे भी बीभत्स वहाँ पर जो अंदर सामग्री होती है नारकियों के अंदर हो, और देखने में वो नारकी जो होते हैं वो दुर्दर्शना का है, यानी देखने में उनको वहाँ पर प्रीति उत्पन्न नहीं होती, उनको देख करके वहाँ पर जो है घृणा ही उत्पन्न होती है। और जब उनकी आयु पूर्ण होती है तो जैसे जब तेज वायु चलती है तो बादल तितर बितर हो जाते हैं, उसी प्रकार से उनका शरीर जो है पूरी तरह से वहाँ पर विलीन हो जाता है। अगला प्रश्न है, गर्भजन्म के जो तीन भेद हैं जरायुज, अंडज और पोत, इनमें ऐसा क्रम क्यों दिया है? जरायुज जो होते हैं जिनके ऊपर कवर होता है वो जरायुज कहलाते हैं, इनमें भाषा का अध्ययन आदि असाधारण क्रियाएं पाई जाती हैं, इन्हीं में चक्री वासुदेव आदि महाप्रभावशाली पुरुष भी उत्पन्न होते हैं, इसलिए मोक्ष सुख को प्राप्त करने का इन्हीं को सौभाग्य मिलता है, इसलिए सबसे पहले इनको रखा है। अब अंडज और पोत में अंडे से उत्पन्न होने वाले जो नवचर होते हैं उनको पहले रखा है और पोत उनको पीछे रखा है, तो यहाँ पर आचार्य अकलंग देव ने कहा कि अंडे से जो उत्पन्न होने वाले होते हैं उनमें तोता मैना आदि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास में अक्षर उच्चारण आदि की सामर्थ्य होती है, इसलिए इनको पोत के पहले रखा है। अब अगला प्रश्न है, नरक में कितने बिल गर्म होते हैं और कितने बिल ठंडे होते हैं? इसमें दो मत मिलते हैं। तिलोय पंडति का मत देखें तो वहां पर 82,25,000 बिल जो हैं उष्ण हैं और 1,75,000 अत्यंत शीत से युक्त हैं, और राजवार्तिक में 82,00,000 उष्ण वेदना से युक्त हैं और शीत वेदना से युक्त 2,00,000 हैं। कैसी वहाँ पर शीत और उष्णता होती है उसके बारे में जटा सिंह नंदी ने वरांग चरित्र में लिखा है कि वहाँ पर इतनी शीत रहती है कि यदि कोई जीप को वहाँ से ला करके यहाँ पर जहाँ पर बर्फ गिर रही हो वहाँ पर रख दिया जाए तो उसको वहाँ पर सुख से नींद आ जाएगी, मतलब इससे भी ज़्यादा शीत वहाँ पर रहती है। और इसी प्रकार से जब वहाँ के उष्ण जो नरक हैं वहाँ से ला करके जहाँ पर लू चल रही हो बहुत गर्मी में राजस्थान में वहाँ पर जो तिनके भी उठ करके जो रेत के तिनके रहते हैं वो शरीर के लिए वहाँ पर स्पर्श करके ऐसा लगता है जैसे अंगारे वहाँ पर छू रहे हों, ऐसी स्थिति होती है। तो वहाँ के जीप को यदि वहाँ पर ला करके रख दिया जाए तो उसको वहाँ पर भी जो है ठंडी ठंडी फुहारों जैसी महसूस होगी, ऐसी वहाँ पर गर्मी होती है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की स्थिति होती है। अब इसमें एक प्रश्न और मन में उत्पन्न होता है कि पहले नरकों में वहाँ पर गर्मी है और नीचे के नरकों में ठंडी है, और ठंडी को लोग ज़्यादा अच्छा मानते हैं गर्मी को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन गर्मी के कारण में व्यक्ति कभी सीधा गर्मी से नहीं मरता, गर्मी में उसको कुछ और जो है परेशानी होती है उसके कारण में वो मरण को प्राप्त होता है, लेकिन शीत ऐसी होती है जो सीधा ही व्यक्ति के लिए मारने के लिए समर्थ हो जाती है। शीत की वेदना सहन करना और ज़्यादा दुष्कर होता है गर्मी की वेदना की अपेक्षा से, इसलिए वहाँ पर जो नीचे के जो नरक होते हैं वो शीत नरक होते हैं। और उसमें जो उपमा दी गई है छेडाला में कि मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था कि मेरु के समान किसी लोहे के गोले को मेरु के समान जो है उसको यदि वहाँ पर डाला जाए तो उष्ण बिल में वो बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा, और उसी पानी को यदि शीत बिलों में प्रवेश किया जाए तो फिर वहाँ पर वो फिर से जो है घन के आकार में हो जाएगा। और यहाँ भी एक प्रकार से जब ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है तब उस समय में वो धातु भी जो है क्षणभंगुर जैसी हो जाकर वहाँ पर भंगुर हो जाती है, बिखर जाती है, ऐसी स्थिति भी बनती है। अगला प्रश्न है, विदेह क्षेत्र को विदेह क्षेत्र क्यों कहते हैं?
क्या वहां पर उत्पन्न होने वाले सभी जीव भव्य ही होते हैं? श्लोक वार्तिक में वहां पर आचार्य विद्यानंद जी ने लिखा है कि विदेही क्षेत्र में जन्म लेने वाले अधिकांश जीव विदेह होकर के मुक्त हो जाते हैं, यानी देह से रहित होकर के मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उस क्षेत्र का सार्थक नाम विदेह है। लेकिन ऐसा सोच करके बहुत सारे लोग ऐसी भी धारणा कर लेते हैं कि हम विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हो जाएं, लेकिन ऐसी धारणा ठीक नहीं है, क्योंकि जो भगवान की आस्था रखने वाला मनुष्य और त्रियंच है, यदि आस्था के साथ में मरण को प्राप्त होता है तो वो विदेह में उत्पन्न ना होकर के स्वर्ग में जाएगा। यानी मनुष्य से मनुष्य बनना ये वहां पर सम्यक्त के साथ में संभव नहीं हो सकता, इसलिए विदेह क्षेत्र की कामना ना करके विदेह होने की कामना करना, ये भगवान बनने की कामना करना, उसका निषेध नहीं है, लेकिन विदेह क्षेत्र में हम उत्पन्न हो जाएं ये भी एक प्रकार का निदान हो सकता है, और निदान जो होता है वो घाटे का सौदा होता है, इसलिए अपने उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। अब वहाँ पर एक और प्रश्न में कि उत्पन्न होने वाले जीव भव्य होते हैं, अभव्य जीव जो हैं संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं, केवल विदेह को छोड़ करके सब जगह होते हैं ऐसा नहीं, सारे जो है लोक में व्याप्त हैं और उनकी संख्या अनंत होती है, तो विदेह में भी वहाँ पर अभव्य जीव होते हैं। अभव्य जीव तो सिद्धालय में भी पाए जाते हैं, एकेंद्री आदि वहाँ पर भी जो हैं, एकेंद्री पर्याय में होने के कारण में वहाँ पर भी उस अवस्था में वहाँ पर रह सकते हैं, इसलिए विदेह में जो है अभव्य नहीं होते ऐसा कहना ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है, भव्य जीवों के सम्यक उत्पन्न हो जाने पर भव्यत्व भाव में कुछ परिवर्तन होता है या नहीं? धवला की एक पुस्तक में वर्णन आता है कि जब भव्य जीव को जब तक सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता तब तक उसका भव्यत्व भाव जो है वो अनादि अनंत रहता है, और जैसे ही वो एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो उस समय में उस अनंत की स्थिति घट करके अर्धपुद्गल परावर्तन रह जाती है, इसलिए सम्यक हो जाने पर उनका जो भव्यत्व भाव है वो अनादि शांत हो जाता है, यानी उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। अगला प्रश्न है, नल कुंवर कौन था? नल कुंवर एक राजा था जिसको कि इंद्र नाम के राजा ने लोकपाल नियुक्त किया था। दुर्लंगपुर में उसका निवास था, और जिस समय रावण इंद्र राजा से लड़ने के लिए जाता है तब उस समय में दुर्लंगपुर के इस लोकपाल के लिए वो बोलता है कि रावण इस तरफ आ रहा है और तुम सुरक्षा का प्रबंध करो। तो उस समय में वो अपनी विद्याओं के माध्यम से एक वज्रशाल कूट वहाँ पर खड़ा करता है जो 100 योजन ऊंचा था, जिसके माध्यम से रावण की सेना को इनकी नगरी में प्रवेश करने का कोई सूत्र नहीं मिल रहा था। और उस समय जो नलकुंवर था उसकी पत्नी का नाम उपरम्भा था, और वो रावण पर मोहित थी, और उसने अपने सखी के माध्यम से कि रावण से मैं मिलना चाहती हूँ अपनी सखी को भेजा, और जब वो रावण के पास पहुँची तो उस समय में रावण ने जैसे ही प्रणय निवेदन सुना तो उस समय अपने कानों पर हाथ रख लिया और कहा कि इस प्रकार का कार्य करने से दोनों लोक नष्ट होते हैं, और उसको वहाँ से विदा कर दिया। और वहीं पर रावण का मंत्री विभीषण भी बैठा हुआ था, और जैसे ही उसने वहाँ पर सुना तो उसने रावण को समझाया कि इसके माध्यम से हम इस दुर्लंगपुर में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए तुम इसको निषेध मत करो। और उस समय में उसको बुलवा करके कहते हैं कि तुम उसको लेकर के आ जाओ। तो वो जो सखी रहती है वो उपरम्भा को लेकर के वहाँ पर पहुँच जाती है, और उस समय में रावण कहता है कि इस उपवन से ज़्यादा अच्छा तो तुम्हारे नगर में अपना मिलन हो, और उस नगर में प्रवेश का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस समय में उपरम्भा जो
अंदर प्रवेश करने का मार्ग उसको विद्याओं के माध्यम से बता देती है। और जैसे ही उस नगर में वो प्रवेश करते हैं और उनकी सेना को देख करके नलकुंवर भी वहाँ पर आता है और फिर दोनों के बीच में युद्ध होता है, थोड़ी देर में उसको वहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। उस समय उपरम्भा से जब रावण का मिलन होता है तो रावण कहता है कि तुमने मुझे विद्या प्रदान की है, इसलिए तुम तो मेरी गुरु हो। और उसको भी समझा करके कि तुम इस राज्य को संभालो मेरे सामंत बन करके, और वहाँ से वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जिसके साथ में जो उस नगर में प्रवेश करने की जो चर्चा थी, वो नलकुंवर राजा को वहाँ पर रावण ने किस प्रकार से वहाँ पर जीता था उसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, हमारा मित्र सभी जगह पर सिर झुकाता है, उसे हम कैसे समझाएं? आजकल ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसको वैनयिक मिथ्यात्व कहा जाता है। जो सभी देवताओं को समान तौलते हैं, एक ही तराजू में सभी देवताओं को, चाहे वो राग से युक्त हों चाहे वैरागी हों, सबके लिए एक दृष्टि से देखते हैं। इसमें ऐसी उनकी सोच रहती है कि जैसे कोई लॉटरी का टिकट खरीदता है और उसमें यदि 10 टिकट खरीदो तो एक लगेगा ही, तो वो सोचता है 10 खरीदो एक तो लग ही जाएगा। ऐसा सोच करके वो सब जगह अपने सिर को झुकाता है, सोचता है कहीं ना कहीं तो हमारा काम बन जाए। ऐसी दृष्टि रखने वाले जो होते हैं वो आजकल के बहुतायत होते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता सच्ची आस्था नहीं होती है। उसको समझाने के लिए आपको एक ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। एक अमित गति आचार्य महाराज हुए हैं, उन्होंने एक धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा है। उसमें जो कथानक आता है वहाँ पर दो मित्र रहते हैं, उसमें एक मित्र मिथ्या दृष्टि रहता है, उसको समझाने के लिए दूसरा मित्र वहाँ पर किस प्रकार से उसको सम्यक दर्शन प्राप्त कराने का मार्ग वहाँ पर प्रशस्त करता है, उसका आप अध्ययन करेंगे तभी समझ सकते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है और जो संसार में मिथ्या मान्यताएं चलती हैं उसमें व्यक्ति कैसे मोहित होकर के अपना अहित कर लेता है। जब आप इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो उसके माध्यम से आपके लिए बहुत अच्छी तरह से अपने वीतराग भगवान के प्रति आस्था के भाव प्रकट हो सकते हैं। एक कथानक और इसमें है कि अभय कुमार जो राजा क्षणिक के मंत्री थे, पूर्व भाव में वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी आस्था मिथ्या मान्यताओं में थी, और उस समय में एक सेठ उनके लिए सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं। उनकी आदत थी कि रास्ते में कोई भी कहीं पर भी कोई कुछ फूल चढ़े हों वो वहीं पर से झुकाने के लिए तैयार हो जाते थे। ऐसी भीड़ चाल चलती है कि व्यक्ति ने कहीं पर फूल चढ़ाए हैं इसका मतलब है कोई पूज्य स्थान होगा, वो वहाँ पर अपने सिर झुकाने लगता है। तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि ये देखो यहाँ पर पत्थर का ढेर लगा हुआ है, कुछ भी कोई देवता नहीं है, और उन्होंने पत्थर वहाँ से दूर कर दिए। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और उसको सीख दिलाने के लिए वो वहाँ पर एक बेल लगी हुई थी उसको वो वहाँ पर नमन करते हैं, और वो वहाँ पर कहता है कि इसमें कौन से देवता हैं। तो जैसे उसने उनके पत्थरों को दूर किया था वैसे ही उस बेल को वो तोड़ करके और उसको अपने शरीर पर मल करके इधर उधर फेंक देता है। अब वो बेल जो थी वो करेंच की बेल थी, करेंच होता है ना जानते हो, जिसमें रुए रुए होते हैं, और वो जब चुभ जाते हैं तो बहुत खुजली होती है। और उस समय में जब उसके शरीर में खुजली होने लगी तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे देवता का अपमान किया था, इसके कारण में मुझे परेशानी होने लगी। तब वो उसको समझाता है कि देखो ये केवल मैंने तुम्हें समझाने के लिए ऐसा किया है, वास्तव में वो कोई देवता नहीं थे। जिनके सामने तुम झुकना चाह रहे हो वो एक इंद्री वृक्ष की पर्याय है, आपके पास में 5 इंद्रियां हैं और एक इंद्री के सामने झुक करके आप क्या प्राप्त कर लोगे, इनको अपन
उपकारी तो मान सकते हैं, इनका अपन संरक्षण तो कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं से कहीं तक देवता नहीं हो सकते। इस प्रकार से और भी तरीके से उनको वहाँ पर सही मार्ग बताने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से आप भी अपने मित्र के लिए कि भगवान का जो सच्चा स्वरूप है उसको जाने, जो 18 दोषों से रहित होते हैं वही वास्तव में भगवान होते हैं, और जो स्वयं भयभीत होते हैं अस्त्र शस्त्र रखते हैं, अस्त्र शस्त्र वही रखते हैं जो भयभीत होते हैं, और उनके पास में जाने से जब स्वयं भयभीत हैं तो दूसरे के लिए निर्भय कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार से आप उनको अपने भगवान का सच्चा स्वरूप समझा सकते हैं, जिससे कि वो मिथ्या मार्ग छोड़ करके सच्चे मार्ग पर आ सकता है। अगला प्रश्न है, अयोग केवली गुणस्थान के अंतिम समय में भव्यत्व भाव का नाश क्यों हो जाता है? भव्यत्व भाव भी जो है वो भी आखिरी में नाश को प्राप्त हो जाता है, तो भव्यत्व भाव की जो परिभाषा आती है उसमें जो सम्यक् प्राप्ति की योग्यता को धारण करता है वो भव्यत्व कहलाता है। अब एक बार मुक्ति प्राप्त हो गई, अब उसकी कोई आवश्यकता सिद्ध अवस्था में नहीं है, क्योंकि कार्य संपन्न हो गया तो फिर उसके बाद में फिर उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। आचार्य जी इसमें एक उदाहरण सुनाते हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेन से आपने यात्रा करने का सोचा और आपने एक टिकट खरीद लिया, अब जब गंतव्य स्थान पर आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके तो वहां पर पहुंचने के बाद में उस टिकट की अब कोई कीमत नहीं रह जाती है, या तो वहां पर वो टिकट कलेक्टर ले लेता है, यदि नहीं भी लेता है तो आप ही उसको फेंक देते हैं। इसी प्रकार से जब सिद्धत अवस्था प्राप्त होती है उसके पहले ही वहां पर योग की अवस्था में ही वो अंतिम समय में भव्यत्व भाव वहीं पर नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्या प्रथमोपशम सम्यक तो एक भव में कई बार हो सकता है? प्रथमोपशम सम्यक तो जो होता है एक बार हो जाने के बाद में उस समय में मिथ्यात् के 3 टुकड़े हो जाते हैं, और 2 टुकड़े जब तक फिर से जो है उस मूल टुकड़े में नहीं मिल जाते तब तक वो वहाँ पर पुनः सम्यक्त की योग्यता को प्राप्त नहीं करता, और उसके छिलने में उसके लिए पल्ले का असंख्यात भाग यानी असंख्यात वर्ष लगते हैं, और कर्म भूमि जो मनुष्य होता है उसकी आयु संख्यात वर्ष होती है, यानी उसके पहले उसकी उद्वेलना संभव नहीं है। इसलिए जो कर्म भूमि के मनुष्य त्रिंच होते हैं उनके लिए केवल एक ही बार वो संभव हो सकता है, और भोग भूमि के जो मनुष्य होते हैं या त्रिंच होते हैं उनकी आयु 3 पल्ले तक होती है, और पल्ले जो है वो असंख्यात वर्षों का होता है, तो उसमें उनके लिए वो वहाँ पर कई बार जो है प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त हो सकता है। नारकियों और देवों को भी वो कई बार प्राप्त हो सकता है जिनकी आयु असंख्यात वर्ष की है, जिनकी 10,000 वर्ष की आयु है तो वहाँ पर वो संख्यात वर्ष में ही आती है। जहाँ तक संख्यात वर्ष की आयु है वहाँ पर देव और नारकियों के लिए भी केवल एक बार होगा, लेकिन जिनकी असंख्यात वर्ष की आयु है उनको वो कई बार भी संभव है। अगला प्रश्न है, दशरथ कौन थे? दशरथ एक पूर्व धातकी खंड के भी राजा हुए हैं, जिन्होंने 16 कारण भावना भाग करके और आखिरी में संलग्ना करके सर्वार सिद्धि प्राप्त की थी, और वहाँ से फिर जब जन्म लिया था तो वो धर्मनाथ भगवान बने थे, यानी धर्मनाथ भगवान के पूर्व भव का नाम दशरथ था। लेकिन जो दशरथ आप लोग जानते हैं वो दशरथ दूसरे हैं, वो दशरथ जो थे वो राजा थे आप सभी लोग जानते हैं, और जब वो युवावस्था में थे उसी समय में उनके लिए नारद के माध्यम से ये खबर मिलती है कि रावण आपको मारने के लिए उद्यत है। उसको किसी ने खबर दी है कि आपके पुत्र और जनक की पुत्री के माध्यम से उसका वध होगा, तो वो आपको मारना चाहता है, और जैसे ही ये खबर मिलती है तो उस समय में वो अपने राज्य को छोड़ करके अपने रूप को बदल करके वेश को बदल करके और परिभ्रमण करते हैं, जनक और दशरथ दोनों। और उसी बीच में जहाँ पर स्वयंवर हो रहा था वहाँ पर प्रवेश करते हैं और कैकेयी उनको वहाँ पर
चुन लेती है और बाकी सारे लोग वहाँ पर रुष्ट हो जाते हैं, तो उसमें उनके बीच में युद्ध होता है और कैकेयी उस समय में उनकी रथ चलाने में सहायता करती है और बड़ी कुशलता से उनको वहाँ पर युद्ध जीतने में सहायक बनती है। तो उस समय में वो प्रसन्न होकर के वर के लिए कह देते हैं और बाद में जब दशरथ दीक्षा लेना चाहते हैं और साथ साथ में उनका कैकेयी का जो पुत्र था भरत, वो भी वैराग्य को प्राप्त करना चाहता था। अभी कल अपन ने देखा था कि भरत ने अपने पूर्वभव में भी कई बार जो है वैराग्य के भाव प्रकट किए, लेकिन वो दीक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। इसी प्रकार से इस भाव में भी जब वो दीक्षा लेना चाहता है, तब उस समय में कैकेयी वहाँ पर वर मांगती है कि आप मेरे पुत्र को राजा बना दो। और जैसा कि लौकिक मान्यता है कि वहाँ पर राम के लिए वनवास भी मांगा, लेकिन जो पद्म पुराण है उसमें ऐसा वर्णन नहीं आता। उसमें जब भरत के लिए राज्य मांगा जाता है तो उस समय में दशरथ कहते हैं कि उसको राज्य देना है, तुम क्या करोगे? तो उस समय में राम कहते हैं कि यदि मैं यहाँ रहूँगा तो लोग इनको राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे और इनकी तरक्की भी नहीं हो पाएगी मेरे कारण में, इसलिए मैं स्वयं इस जगह को छोड़ करके चला जाऊँगा। तो वहाँ पर वो वनवास के लिए चले जाते हैं और बाद में जब ये दीक्षा ले लेते हैं, और दीक्षा लेने के पहले इनको एक बार वैराग्य भी होता है और उसमें वैराग्य का कारण ऐसा बनता है कि अष्टानिका का पर्व आया था, उस अष्टानिके के पर्व में इन्होंने 8 दिन का उपवास करके और भगवान की आराधना की, और आराधना करने के बाद जो गंधोदक अपनी रानियों के लिए पहुंचाया था उसमें 3 रानियों को तो जो लेकर के गए थे वो लोग युवा थे, उन्होंने जल्दी पहुंचा दिया, और 1 रानी के लिए इन्होंने एक वृद्ध वहाँ पर उनके यहाँ पर कंचुकी नाम का था उसके माध्यम से भेजा। वो धीरे धीरे लेकर के पहुंचता है, उसके पहले ही उन रानी ने वहाँ पर सोचा कि राजा ने सबके लिए भेज दिया, हमारे लिए नहीं भेजा, लगता है राजा हमको नहीं चाहते। और उस समय में उन्होंने अपने एक सेवक को बुला करके कहा कि जा करके विष लेकर के आओ। और जब वो वहाँ पर तीनों रानियाँ राजा दशरथ से मिलने पहुँच जाती हैं और वो नहीं आती, तो राजा दशरथ स्वयं उसके पास पहुँचते हैं, और जैसे ही जब वहाँ पर पहुँचते हैं उसी समय में वो सेवक भी ला करके कहता है कि ये लो विष मंगाया था आपने। तब वो वहाँ पर सुन करके कि तुमने ये क्या कर रखा है, तब फिर उससे पूछते हैं, वो कहते हैं कि आपने सबके लिए तो गंधोदक भेज दिया, हमारे लिए गंधोदक नहीं भेजा। तो उस समय वो कंचुकी से पूछते हैं कि तुमने लाने में देर क्यों कर दी, तो कहता है कि अब पहले जैसी अवस्था नहीं रही, पहले मैं ऐसा चलने वाला था कि 2 घोड़ों पर भी सवार होकर के चल लेता था, अब जो है चलने की ऐसी स्थिति है कि 2 कदम चलने के लिए भी मुझे बहुत सोचना पड़ता है। पहले ऐसा था कि कोई लाठी भी मार दे तो लाठी टूट जाती थी, और अब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी यदि फिसल गए तो हड्डी टूट जाएगी। इस बुढ़ापे की अवस्था में अब जो है केवल पके हुए फल की तरह हमारा जीवन है कि कब टपक जाए कोई भरोसा नहीं। तब उस समय में दशरथ को वहाँ पर अपनी उम्र का भी वहाँ पर कि अब हमारा भी वृद्धावस्था प्रारंभ होने वाली है, हमारी भी ऐसी अवस्था होगी, और वो समय थोड़े बहुत उनके मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर भी परिवार में जब घुल मिल जाते हैं तो भूल जाते हैं। और बाद में जब उनके लिए यहाँ पर जो वरदान मांगा गया था उस समय में उनके मन में वैराग्य प्रखर हो जाता है और वो दीक्षा को धारण कर लेते हैं, और धारण करके उन्होंने आखिरी में संलेखना करके स्वर को भी प्राप्त किया। ऐसी घटना इनके जीवन के साथ में जुड़ी हुई। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान करने के लिए सभी लोग ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने आसन को बना करके एक बार उनका नाथ करेंगे। ओ प्रणव मंत्र
के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं उस शाश्वत जन्मभूमि पर जहां पर सभी तीर्थंकर जन्म लेते हैं, लेकिन इस बार हुंडाल सर्पणी के कारण केवल 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। आदिनाथ भगवान का जन्म भी अयोध्या में हुआ, अजितनाथ भगवान का, अभिनंदननाथ भगवान का, सुमतिनाथ भगवान का और 5वें अनंतनाथ भगवान का जन्म इस धरा पर हुआ। सारे तीर्थंकर अयोध्या में ही जन्म लेते हैं और सभी सम्मेत शिखर से ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं, लेकिन इस बार हुंडा के कारण 20 तीर्थंकर वहां से निर्वाण को प्राप्त हुए। ऐसी इस धरा जहां पर सभी तीर्थंकरों का जन्म होता है, ये शाश्वत जन्मभूमि कहलाती है। इस अयोध्या के कई नाम हैं, एक इसका नाम साकेत भी है, जो अच्छे अच्छे भवनों से युक्त है, इसलिए इसको साकेत भी कहते हैं। इसका एक नाम विनीता भी है, जो विनीत लोगों से भरी हुई है, इसलिए इसका नाम विनीता है। और एक इसका नाम सुकोशला भी है, कौशल देश में स्थित होने के कारण इसको सुकोशला भी कहा जाता है। ऐसे शाश्वत जन्मभूमि की ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए ओम का नाद करेंगे। ओ शाश्वत जन्मभूमि की ऊर्जा आपके इस मंत्र के माध्यम से आपकी ओर बढ़ती चली आ रही है और उसने ऊर्जा को बरसाना प्रारंभ किया। ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करके सारे विकारों को दूर करके परम शांति से भर दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय को स्वच्छ करती हुई उदर में उतर रही है। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को स्वस्थ करके रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथों में प्रवेश कर रही है। टिहनी तक, कलाई तक, उंगली के एक एक पोरे तक पहुंच करके जंघाओं, घुटनों, पिंडलियों, टखनों, एड़ियों, तलवों, अंगूठे सहित सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। शाश्वत जन्मभूमि की ऊर्जा सारे संसार को मिले, ऐसी भावना से उस ऊर्जा को अपने दोनों हाथों से जो ऊपर से बरस रही है पूरे लोक में फैलते हुए देखें। जैसे टैंक जब भर जाता है तो ओवरफ्लो हो रहा है, उस प्रकार से आपके अंदर कमी नहीं होगी। अतिरिक्त ऊर्जा जो प्रवेश कर रही है उसको पूरे लोक में भेजने का प्रयास करें और भावना सुखी रहे सब जीव जगत के को। वातावरण पांचों तीर्थंकरों को और उनकी जन्मभूमि को, त्रैकल्याणा भूमि को निहारते हुए अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर
और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ के दीन किए जिन वाणी I'm